हेलो फ्रेंड्स, मैं हुशाल और आज मैं आपको बताऊंगा कि आप रोलर स्केटिंग में टर्न कैसे ले सकते हैं। तो चलिए गाइस शुरू करते हैं। तो मैं आपको दो टाइप के टर्न बताने वाला हूं। ये है फर्स्ट टर्न और ये है सेकंड टर्न। तो मैं आपको दोनों ही बारी बारी से स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। फर्स्ट टर्न में आपको अपने लेग्स की पोजीशन टर्न से पहले वाली रखनी है इस तरह से। इसके बाद आपको जिस साइड टर्न लेना है उस साइड के पैर को पीछे रखना है, फिर आगे वाले पैर के पंजे वाले व्हील्स को उठाना है इस तरह से और मूव करना है, और पीछे वाले पैर के एड़ी वाले व्हील्स को उठाना है और मूव करना है। तो आपका बैलेंस कुछ इस तरह से होना चाहिए। एक बार फिर से देख लीजिए, जिस साइड टर्न लेना है उस साइड के पैर को पीछे रखा, आगे वाले पैर के पंजे वाले व्हील्स को उठाया, पीछे वाले पैर के एड़ी वाले व्हील्स को उठाया, और दोनों पैर की मूवमेंट इस तरह से होनी चाहिए। अब आपको टर्न के समय क्या मूवमेंट करनी है वो देख लीजिए। आपको हल्का सा पुश लेना है, टर्न वाली साइड के लेग को पीछे रखना है और अपने पैर को बारी बारी से इस तरह से उठा उठा कर मोड़ना है। आप इसे बारी बारी से ही मोड़े इस तरह से। अगर आप एक साथ मोड़ने को ट्राई करोगे तो आप डिसबैलेंस होकर गिर सकते हैं। तो शुरुआत में आप इसे बारी बारी से ही टर्न करें। आप इसकी जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ही कंफर्टेबल होंगे, और अगली बार आप इसे फास्ट करने की कोशिश करोगे तो आप इसकी ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए और आप ऑटोमेटिकली इसे स्पीड में करना सीख जाओगे। इसके बाद आपको अगले पैर के पंजे वाले व्हील्स पर कम वजन रखना है ताकि वो स्लाइड हो सके, और पिछले पैर में एड़ी वाले व्हील्स पर। और फिर टर्न के समय आपको इन दोनों को हल्का सा उठाए रखना है जिससे ये स्लाइड हो जाएंगे और आपका ये टर्न कम्प्लीट हो जाएगा। और आपका पूरा वेट रहेगा वो अगले पैर के एड़ी पर रहेगा और पिछले पैर के पंजे पर। तो इसी तरह से आपका ये टर्न कंप्लीट हो जाएगा, और आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपका टर्न स्मूथ और स्पीड में होने लगेगा। सेकेंड टर्न में आपको अपने लेग्स की पोजीशन को सीजर पोजीशन में रखना है, कुछ इस तरह से आगे पीछे रखना है, और अपने दोनों पंजों के व्हील्स को फ्री रखना है। आपका पूरा बॉडी बैलेंस आपके दोनों एड़ियों पर होना चाहिए और आपके पंजे इस तरह से लेफ्ट राइट होना चाहिए। अगर आप राइट टर्न ले रहे हैं तो आपको राइट लेग आगे रखना है, और लेफ्ट टर्न ले रहे हैं तो लेफ्ट लेग आगे रखना है। देखो, जब आप राइट टर्न लेते हो तो आपको राइट लेग आगे रखना है और पंजों को उठाकर राइट में रखना है, और जब लेफ्ट टर्न लोगे तो आपको लेफ्ट लेग आगे रखना है और पंजों को उठाकर लेफ्ट में रखना है। तो बेसिकली आपका पूरा बैलेंस है वो पूरा एडी पर होना चाहिए, बॉडी बैलेंस, और आपके जो पंजे हैं वो फ्री रहना चाहिए लेफ्ट राइट होने के लिए। आप इसे प्रैक्टिस कीजिए, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आप स्पीड पकड़ोगे, इसे स्पीड में करोगे, और आपका जो टर्न है वो स्मूथ दिखने लगेगा। जब आप इसे स्पीड में करना सीख जाए तब आपको दोनों पंजों को बिना हिलाए सिर्फ हल्का सा हवा में लिफ्ट करके इस तरह से ट्राई करना है, जिसमें आपका बॉडी बैलेंस रहेगा वो आपकी दोनों एड़ियों पर रहेगा। तो आपको इसे शुरू में थोड़ा स्लो ट्राई करना है, और फिर जैसे जैसे आप कंफर्टेबल होते जाते हैं फिर आप इसे स्पीड में ट्राई कर सकते हैं। आई होप गाइस आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा, और अगर कुछ क्वेश्चन हो फिर भी तो आप कमेंट जरूर करें और प्रैक्टिस कीजिए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतनी जल्दी सीखोगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय गाइस।